हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं रेखा यादव आज लेके आई हूँ आप सबके लिए एक नमकीन की रेसिपी, क्योंकि अभी दिवाली आने वाला है तो आप बना सकते हैं घर पे। हेल्दी, टेस्टी और बहुत ही चटपटा बनता है ये नमकीन, तो एक बार ज़रूर आप ट्राई करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं। तो आइए हम शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। मैंने गैस को ऑन कर लिया है, गैस पे कढ़ाई रख लिया, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा अच्छा खासा गर्म हो गया है, तो इसमें हम डालेंगे, ये मैंने लिया है 100 ग्राम कच्चा सिंग मूँगफली, इसे हम डाल देंगे इसमें और इसे हम फ्राई कर लेंगे। और गैस को हमें मीडियम रखना है और सिंग को हम इसे फ्राई करेंगे अच्छे से, ये क्रिस्पी हो जाए। और हमें जलाना नहीं है, इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो मैं अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ सिंग को। गैस को मीडियम रखेंगे। मैंने मूँगफली को अच्छे से फ्राई कर लिया है, तो देखिए ये मूँगफली हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है, ब्राउन भी हो गई, इसका कलर भी चेंज हो गया है। बस इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, नहीं तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। ऑयल को हम अच्छे से कढ़ाई में दे देंगे और इसे सारे मूँगफली सिंग को हम निकाल के, मैंने सारा चना का दाल है जो डाल लिया है उसे मैंने फ्राई कर लिया है और अच्छे से ऑयल गिरने देंगे और मैंने निकाल लिया है। और इसमें हम डालेंगे, ये मैंने लिया है सूखा नारियल खोपरा, इसे मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में पतला स्लाइस हमें कट कर लेना है ऐसे। और इसे भी हम फ्राई कर लेंगे, हल्का सा ये पक जाए, ब्राउन हो जाए। ये मैंने नारियल को भी अच्छे से फ्राई कर लिया है, बस इतना ही फ्राई करना है और इसे हम निकाल लेंगे। ऑयल को कढ़ाई में हम गिरने देंगे और इसे मैं निकाल लेती हूँ सारे नारियल को। और हर एक चीज़ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, तो मैं निकाल लेती हूँ सारे नारियल को, निकाल लिया है। और इसमें मैंने लिया है 8 से 10 काजू और उसे मैंने दो भाग में कट कर लिया है और इसे भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा काजू का कलर चेंज होने देंगे, बस इतने ही हमें फ्राई करना है और ज़्यादा जलाना नहीं है। तो सारे काजू को मैं निकाल लेती हूँ, काजू को निकाल लिया है। और इसमें हम 8 से 10 बादाम डालेंगे और उसे भी मैंने दो भाग में हमें कट कर लेना है और बड़े टुकड़े करना है, छोटे नहीं। और इसे भी हम फ्राई कर लेंगे और ये भी हल्का सा फ्राई हो जाए, बस उतना ही। और थोड़ा सा इसे और पका लूँगी मैं, तो मैं पका लूँगी। मैंने सारे बादाम को फ्राई कर लिया है, देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, ये हल्का सा ब्राउन हो गया है, तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। बादाम को भी फ्राई करके निकाल लिया है और इसमें भी हम डालेंगे 25 ग्राम किशमिश, उसे भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा हमें फ्राई करना है। तो बस ये फ्राई हो गया है किशमिश हमारा, तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। ऑयल को हम कढ़ाई में गिरने देंगे अच्छे से। आप टिश्यू पेपर पे रख सकते हैं सारे जो मैंने फ्राई किए हैं चीज़, या प्लेट में रख सकते हैं। ऑयल अच्छे से आप गिरने दीजिए कढ़ाई में जब सारे कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं तो। और निकाल लेती हूँ मैं, इसमें एक दो किशमिश गिर गया था कढ़ाई में। और ये मैंने लिया है मकाई पोहा, ये आसानी से किराने की दुकान पे मिल जाता है। और एक बार आप ऐसे बना के देखिए दिवाली पे, मकाई पोहा नमकीन, और बहुत टेस्टी और यम्मी बनता है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। और ऐसे करके हम थोड़ा थोड़ा मकाई डालते जाएंगे, मकाई पोहा, और इसे फ्राई करते जाएंगे। पहले हम डालेंगे और कलछी को ऊपर करेंगे, थोड़ा सा ऑयल ऊपर से हम डाल देंगे, जो एक दो नहीं पका होगा वो पक जाएगा। और देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गया, ऐसे फ्राई करने से ऑयल भी कम लगता है। तो मैं ऐसे करके सारे जो मकाई पोहा है हम फ्राई कर लेंगे, या आप ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं कढ़ाई में ऐसे डालने से। और गैस को हमें मीडियम रखना है, ऐसे फ्राई करने से जल्दी होता है लेकिन ऑयल बहुत ज़्यादा इसके अंदर भर जाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जैसे मैंने पहले दिखाया वैसे ही फ्राई करें, उसमें ऑयल कम लगता है, उसमें ज़्यादा ऑयल अब्जॉर्ब नहीं होता है। तो मैं ऐसे करके सारे पोहा फ्राई कर लूँगी। सारा पोहा फ्राई कर लिया है जो मकाई पोहा है, मैं आपको एक बार दिखा रही हूँ। कलछी में जितना आ सके उतना ही पोहा डालना है हमें,
और कलछी को एक दो बार ऊपर करना है, फिर डिप करना है और ऊपर से थोड़ा सा दूसरे कलछी से ऑयल डालते जाना है। और तो देखिए ये अच्छे से फ्राई हो जाता है, बिल्कुल कच्चा नहीं रहता है। तो ऐसे करके हम सारे मैंने फ्राई कर लिए हैं और इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। ऑयल को हम गिर देते हैं। मैंने सारा मकाई पोहा फ्राई कर लिया है अच्छे से और इसे हम साइड पर रख देंगे। मैंने मकाई पोहा 200 ग्राम लिया था, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा बना सकते हैं। और दिवाली पे तो बहुत ज़्यादा बनाते हैं, तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए इतने बनाया है। और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप कड़ी पत्ता। मैंने अच्छे से धो के उसे पोंछ के रख लिया था पहले ही, और इसका पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कड़ी पत्ते में। और मैंने 2 से 3 हरी मिर्च ली है, इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। क्रिस्पी हो जाना चाहिए जो कड़ी पत्ता है और मिर्ची, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और गैस को मैंने कम कर दिया है, तो ऐसे करके हम फ्राई करेंगे। और एक बार आप ज़रूर बना के देखिए ये मकाई पोहा, जो नमकीन है। आप बाहर का खाना भूल जाएंगे और घर का बहुत हेल्दी और टेस्टी होता है, और बच्चों से लेकर बड़ों तक को पसंद आएगा। तो एक बार ज़रूर बना के देखिए आप ऐसे, और आप इसे 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं। जब आपका मन करे आप खा सकते हैं और हर एक त्यौहार पर आप बना सकते हैं। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो मैंने सारा कड़ी पत्ता को फ्राई करके निकाल लिया है, और ये मैंने लिया है 200 ग्राम पोहा, और इसे भी हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, डिप करेंगे तेल में, ऑयल में, और बस 1 या 2 बार करेंगे डिप, और ये अच्छे से फ्राई हो जाता है और बिल्कुल ऑयल इसके अंदर भरता नहीं है, और एकदम सॉफ्ट और नरम एकदम फ्राई होता है। तो एक बार ज़रूर आप ऐसे फ्राई करें सारी चीज़ें और बनाएं घर पे नमकीन पोहे का, और बहुत ही यम्मी, और इसका स्वाद खट्टा मीठा और तीखा रहता है, स्पाइसी बहुत अच्छा लगता है। तो एक बार ज़रूर बनाइए। ऐसे करके मैं सारे मकाई डालते जाऊँगी, सॉरी सारा पोहा डालते जाऊँगी और फ्राई कर लूँगी। ये अच्छे से फ्राई हो जाता है, और गैस को हम मीडियम रखेंगे। मीडियम आंच पे मैं सारा फ्राई कर लेती हूँ। मैंने सारे नमकीन को फ्राई कर लिया है, इसमें मसाला डाला। मैंने जो फ्राई किया था मकाई पोहा चिवड़ा हर एक चीज़ को मैंने 2 बर्तन में ले लिया है, 2 भाग कर लेना है हमें। और इससे क्या होगा, जो हमारे मसाले हैं अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। तो ये हल्का सा गर्म भी है, और हल्का सा गर्म रहे तभी हमें मसाले डालना है। और इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच हींग, और हींग को आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालिए बहुत अच्छा लगता है खाने में, टेस्ट आता है हींग का, जो खुशबू है उसमें आता है नमकीन में। और इसमें मैं डालूंगी 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, और मिर्ची पाउडर डालूंगी, कश्मीरी लाल मिर्च लिया है मैंने, क्योंकि हमने तीखे में मिर्ची यूज़ किया है हल्का सा, और ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना है हमें। और ये मैंने लिया है अमचूर पाउडर और चाट मसाला, दोनों 1/2 टेबल स्पून लेना हमें, 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला, 1/2 टेबल स्पून अमचूर पाउडर। और इसमें हम डालेंगे जीरा पाउडर भुना हुआ मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून, और नमक डालेंगे, स्वाद के अनुसार हमें नमक डालना है, जैसा आपको खाना पसंद हो, कम या ज़्यादा हर एक चीज़ आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये मैंने लिया है पिसा हुआ शक्कर 2 टेबल स्पून बड़ा, और इसे मैंने घर पे ही मिक्सी में शक्कर को पीस लिया है, और इसे हम अच्छे से अभी देखिए, तो दोनों को मैंने दोनों में सेम मसाले डाले हैं, जितना मैंने इसमें डाला है थाली वाले में भी मैंने वही मसाला डाला है हर एक चीज़। और इसे हम टोप को ऐसे करते हुए हमारा मकाई पोहा नमकीन बनके तैयार है। और देखिए मैंने अच्छे से मसाले को मिला लिया, और देखने में जितना यम्मी लग रहा है खाने में बहुत ही चटपटा है, तो ज़रूर बनाइए आप। हमारा नमकीन फरसान जो भी बोलिए ये बनके तैयार है, और देखिए जितना देखने में अच्छा लग रहा है उतना खाने में भी चटपटा है। तो एक बार ज़रूर बना के देखिए आप, और बहुत ही हेल्दी है, घर पे बनाया है इसे हमने, तो इस दिवाली आप बनाइए। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए जैसे स्वीट रेसिपी, सब्जी रेसिपी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और फिर से मिलती हूँ नए रेसिपी में। बाय फ्रेंड्स।